Yes, boss. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, क्या भूत लगती हो, बड़ी अगली दिखती हो, तुम प्यार की दुश्मन हो, तुम जान की दुश्मन हो। ये मुझे देखते ही तुमने लिरिक्स क्यों बदल दिए? भाई जैसा विजुअल देखेगा वैसे गाने गाएगा। अच्छा तो फिर पहले क्या विजुअल देख रहे थे? मीना कुमारी, मीना कुमारी की कमाल पिक्चर है इसके अंदर एक। नॉट माफ कीजिएगा, मीना कुमारी नहीं, मैं तस्वीर देख रहा था मीरा कुमारी। हेलो विनोद, चिमी बॉय, माय गॉड, आफ्टर सो लॉन्ग, तू कहाँ गायब हो गया था कॉलेज के बाद यार? एक्चुअली क्या है कि कॉलेज छोड़ने के बाद मैं जंतर तंतर मंत्र विद्या में लग गया था। मुझे अच्छी तरह याद है तू कॉलेज के टाइम में ब्लैक मैजिक किया करता था और तू मुझे लड़की फंसाने के फॉर्मूले दिया करता था, लेकिन तेरे सारे फॉर्मूले फेल हुए। मुझे याद है, चित्र, आई रिमेम्बर। लेकिन अब मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि कॉलेज छोड़ने के बाद मैं भूतनाथ दावा की शरण में चला गया। अच्छा, उन्होंने मुझे इस विद्या में निपुण कर दिया है। That's nice. Yes, उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र सिखाया है कि अगर वो मंत्र बोल के और दुश्मन का नाम लेके इस गुड्डे के कान में फूंक मारी जाए तो दुश्मन की जान इस गुड्डे में आ जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात, इससे क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा। अगर इस गुड्डे की टांग उड़ी जाएगी तो दुश्मन की टांग उड़ेगी। अगर इस गुड्डे की नाक खींची जाएगी तो नाक में से पानी दुश्मन के निकलेगा। और अगर इस गुड्डे को स्विच भोई जाएगी तो दर्द दुश्मन। ये गुड्डा मुझे चाहिए, ये गुड्डा मुझे चाहिए, दिस इज आइडल फॉर मी। गुड्डा तू ले ले, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? कि अगर गलती से ये गुड्डा तेरे दुश्मन के हाथ लग गया तो तेरी जान इस गुड्डे में आ जाएगी और सब कुछ उल्टा हो जाएगा। You don't worry about that. मैं इसे संभाल लूंगा। I'll be careful. अच्छा बता करना क्या है? मेरे पीछे पीछे मंत्र बोल। हाँ। ओम त्रिंग त्रंग। ओम त्रिंग त्रंग। तेरे दुश्मन का नाम क्या है? तेरे दुश्मन का नाम क्या है? नहीं, तेरे दुश्मन का नाम क्या है? नहीं, तेरे दुश्मन का नाम क्या है? तेरे दुश्मन का। तेरे दुश्मन का। शट अप। शट अप। देखो भैया, मैं तेरे दुश्मन का नाम पूछ रहा हूँ, अपने दुश्मन का नाम मेरे को बता। ओके ओके, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी बोल। ओम त्रिंग त्रंग। ओम त्रिंग त्रंग। मोहन जी सर्वनाशाय नमः। मोहन जी सर्वनाशाय नमः। इस गुड्डे के कान में फूंक मार। राइट में, लेफ्ट में, किसी में मार दे। सुजान आ गई यार, सुजान आ गई। वो इसकी शक्ल तो एकदम मोहन जी से लगती है। मोहन जी, आपकी जान मेरी मुट्ठी में। नीता, तुम कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हो? क्यों, दिखता नहीं है क्या? नहीं, मुझे कुछ जरूरी ईमेल्स भेजने हैं क्लाइंट्स को, अगर 5 मिनट के लिए मुझे मिल जाता तो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि लड़कियों के साथ चैट करना है, फ्लर्ट कहीं का? ये बटली का प्रॉब्लम क्या लाइफ में, जब देखो चिड़ी देती है। खैर अपना क्या है यार, चलो कुछ एनिमेशन बनाते हैं। अरे मोहन जी सचू, ये देखिए, मैंने वीपी साहब का कार्टून बनाया है, अगर वो टकले होते हैं तो कैसे लगते हैं? तू भी यार वैसे बेवकूफ है, खाब खा इतना टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की। अरे वीपी साहब का कार्टून बनाने की क्या जरूरत है, वीपी साहब तो पहले से ही कार्टून है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि 5 साल से ये ऑफिस है एक कार्टून चल रहा है। मिलेगी आपको इसकी सजा, मिलेगी सबको। सर इसको आप एक स्कूल समझिए सर, अगर बच्चे गलती करते हैं तो टीचर से स्कूल से निकालता नहीं है, एक थप्पड़ मारता है, कभी कान मरोड़ता, दैट्स ऑल सर, प्लीज सर। करोगे दोबारा? नहीं बिल्कुल नहीं सर। करोगे? बिल्कुल नहीं सर। तो सबसे बुरी बात ये है कि आपने ये सब लकी के सामने कहा, मेरी क्या इज्जत रहेगी? नहीं नहीं सर, लकी ने आज कान की मशीन लाई नहीं है, मैं सुबह से उसको लाइन मार रहा हूँ। मतलब सॉरी सॉरी, कुछ 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 नहीं, चेक करता हूँ, अगर उसने सुन लिया ना तो तुम 3 तो गए। लकी लकी, मेरी भरा मत थोड़ी। ओ जीजू, तेरे बड़े सिंह लावे, सिंह 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 था ना? क्या जीजू, आप भी कभी कभी कार्टून वाली हरकतें करते हो? मोहन श्रीवास्तव जूनियर विजुलाइजर, तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में। अब मैं सबसे पहले
तुम्हारी उंगली काटूंगा। हेलो सर, सर क्या क्या छुपा रहे हैं हम? कुछ नहीं, वो गुड्डा डॉल है। डॉल? डॉल सर, मुझे डॉल अच्छी लगती है सर, प्लीज दिखा दीजिए ना प्लीज। ये देखिए मेरा। मेरा जी, मैं बाजार से गुजर रहा था तो मेरी नजर पड़ी ना, लाइक द डॉल आई सेड। आई एम श्योर सर आप ये मेरे लिए लाए हैं, मेरे पास रहेगी बहुत अच्छी लगेगी सर। कह लगी मेरा जी ये मैं लाया हूं कविता के लिए, लेकिन श्योर आपके लिए मिला दूंगा ऐसी। आई एम श्योर आई डेफिनेटली गेट वन। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा सर, लेकिन ये डॉल एक मुझे जरूर जरूर। आई विल डेफिनेटली। थैंक यू जी। दिल्ली साहब का फेक्स आया जाए, चेक कर लीजिए। ओके एक्सक्यूज। मैंने आपको डायमंड शूटिंग का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था, क्या क्या? सर वो मैं शुरू कर रहा हूँ सर, धीरे धीरे। शुरू करेंगे जब ऑफिस बंद हो जाएगा तब। फाइल गली आई मेरे पास, तो बस मैं शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। बस काम के मामले में थोड़ा धीरे धीरे करते हैं आप, बाकी सब मामले में काफी फास्ट। बुड्ढे तेरा गुड्डा भी बनाना पड़ेगा। जाने मन तुम्हारे ये बड़े बड़े लटकते हुए गाल काटू या छोटी छोटी उंगली। ओके सर आई विल डू द नीडफुल, बाय बाय। क्या हो रहा है मीरा? काम हो रहा है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काम खत्म करके आया हूँ ना डार्लिंग। क्या काम खत्म करके आए हो? सबको डांट के आया हूँ, कभी ठीक से काम करो। कभी कभी अपने आप को भी डांट लिया करो, क्योंकि तुम भी काम नहीं करते। कम ऑन मीरा, जितना काम मैं करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मीरा कोई मेरा हाथ मोड़ रहा है। दूंगा तुम्हारी हड्डी। अब ये हाथ तो बचा हुआ है ना, ये कोई क्या है? मेरे हाथ पीछे नहीं, कोई आगे नहीं। अरे हाथ तो मेरा कोई है नहीं। आप क्या मेरा क्या 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 थप्पड़ मार रहा है? क्या थप्पड़? क्या है सर? सर सो कोई हाथ मोड़ रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है मुझे सर। मौन जी आपके ऊपर कोई जादू टूना कर रहा है क्या? आप ऐसी तांत्रिक के पास जाइए। सर कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं सर? सही कह रहा हूँ सर, कोई नस पे नस चढ़ गई होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये जादू टूना है। तांत्रिक के पास जाइए मौन जी। ओके ओके सर। ओ गॉड, किसने कर दिया मौन जी? अभी ठीक हो? आई लाइक योर हेयर स्टाइल। You love hair style, my God. मीरा मैं क्या बात है बेटी, परेशान लग रही है? माँ आज पता नहीं ऑफिस में मोहन के हाथ पैर को क्या हो गया, वो खुद बखुद टेढ़े मेढ़े होने लग गए। खुद बखुद टेढ़े मेढ़े होने लग गए? हाँ? बेटी कहीं मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ने लगे मोटे को? कैसी अशुभ बातें करती हो तुम माँ। अच्छा वैसे है कहाँ इस वक्त? माँ स्टडी में है। उस स्टडी में क्या कर रहा है भाई? मीरा जी वर्मा बेटा, मेरा बेटा। हेलो मीरा जी। आजा वर्मा बेटे, आजा बेटा। कैसे बेटा? आंटी जी जब आप मुझे बेटा बोलती है ना, मुझे लगता है कि मेरी रगों में खून नहीं माँ का दूध दौड़ रहा है। काश काश मैं आपको अपने पास रख पाता हमेशा हमेशा। चलना बेटे अभी चलना, मैं तो तैयार हूँ ना। ज्यादा बोल गया। मैं कह रहा हूँ आंटी जी कि मेरी बीवी ना बड़ी हेड स्ट्रॉन्ग टाइप है, पता नहीं वो लाइक करे ना करे। काम करो बरखुरदार, इनको एक फ्लैट ले दो किराए पे, वहीं टिकी रहेगी। और क्या किराया तुम बंदो? ये तो आपको सोचना चाहिए सर, ये आपकी सासू माँ है। भाई मेरी सासू माँ है, लेकिन तुमने खुद ही कहा कि तुम्हारी माँ जैसी है, तो ले जाओ यहाँ से। ऐसी बातों में लग गए आप लोग। सर ये बताइए कि आप क्या लेंगे? मेरा जी आई एम अ हॉट मैन, सो आई वुड लाइक टू हैव समथिंग वेरी हॉट। यू विल हैव हॉट अदरक वाली चाय। कुछ बिस्कुट विस्कुट खाएगा बेटा? हां सम कुकीज और सम फ्रेश पेस्ट्रीज, आई डोंट माइंड। समझ गई बेटा, चलो कुकीज बनाने में मेरी मदद कर। चलो क्या बात है श्रीवास्तव जी, बड़े टूटे फूटे मतलब बड़े परेशान से और बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। भाई अपना बच्चा तकलीफ में है। बच्चा कब का हो गया बच्चा? मतलब मोहन भी अपना अजीज है ना। अच्छा बच्चा उसको तकलीफ है तो उसको दर्द होती है, तो फिर हमें भी तकलीफ होती है ना। अच्छा ये कौन सी बात होगी, उनको तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है, कौन सी बात? मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, उसको दर्द होती है तो मुझे भी दर्द होता है। आई अंडरस्टैंड। आइए आइए कमरे में आइए, आप आराम से लेटिए। यू आर राइट, आई नीड सम रेस्ट। प्लीज आई 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 संभाले संभाले। कुछ सुना क्या कहा इस बुड्ढे ने? हम दो जिस्म एक जान है, मार उनको लगती है दर्द इनको भी होता है। अब देखिए डबल इंपैक्ट, एक लात में दो चीज। Yeah!
सर मिस्टर चंबानी आए कि नहीं? आ गए, मोहन जी उनको रिसीव करने के आते ही होंगे। आइए आइए चमानी सर, आइए चमानी सर। तो ऑफिस है यार, जय झूलेलाल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। पूछो भाई। आपका ये जो प्रोडक्ट है बंदर छाप गेंडे का तेल, ये कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है? लेने वाला सोचेगा लगाने के बाद मैं बंदर दिखूंगा या गेंडा दिखूंगा? देखो साई, बात ऐसा नहीं है, ये तो बंदर छाप गेंडे का तेल है ना, अपना शरीर का ऊपर जब 6 महीने लगे। एक मिनट सर, ये शरीर क्या चीज? शरीर बोले तो ये शरीर का मतलब जिस्म होता है, बॉडी होता है, और क्या होता है? क्यों डांट रहे हैं? अगर समझ में नहीं है तो पूछने दीजिए ना, उनका हक है, पूछने दीजिए। पूछो पूछो। देखो मैं साई एक बात फिर बताता हूं, सुनो, ये जो हमारा तेल है ना, इसको अपना बॉडी शाडी पे 6 महीने तक लगाए। एक मिनट सर, ये बॉडी शाडी क्या होता है? बॉडी मतलब शरीर बोल रहे हैं। अरे सर पूछते नहीं, पूछने का हक है हमको। Don't lose your cool, sir. सुन लिया ना? अब बता दे, देखो ये जो मेरा तेल कंसीव किया है ना, ये क्या हुआ? सर किसने छुट्टी काटी? कौन काटेगा छुट्टी आपको? कोई है तो नहीं अपने यहाँ? देखो मैं 2-3 बार बता चुका है, अभी मैं आखिरी बार बताता मेरे तेल के बारे में। सही जरा सुन लो यार, सुनो। सॉरी सॉरी, बताइए। ये जो मेरा तेल है ना, इसको जब अपना बॉडी। मोहन जी क्या हो रहा है आपको? सर मुझे वो पीछे से चूटियां काट रहा है सर। पीछे को है ही नहीं, कौन चूटी काटेगा? नॉनसेंस। सॉरी सॉरी, बताइए। अरे सब मजाक कर रहे हैं क्या? मेरा दोस्त ने कहीं बोला था यहाँ पे कभी एग नहीं बनाना। अरे मैं जाता है, मिल गई आपके गले से कुछ ठंडक, भगा दिया क्लाइंट को। अब आप ठीक हैं? हाँ सर, अभी 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 बेटर है सर। ये साजिश इधर, क्लाइंट को भगाने की साजिश कर कुछ नहीं। पता नहीं मुझे टेंशन हो गया, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, आप जरा ठहरिए यहाँ पर। चलिए आप निकलिए, आप निकलिए। कम ऑन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड सर, समबडी इज। आप निकलिए, कम ऑन, निकलिए निकलिए। अब आएगा मजा। क्या हो रहा है ऑफिस में, समझ नहीं आता। पता नहीं मुझे क्या हो गया सत्तू भरत, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपने आप हिलना शुरू कर देता हूँ, उछलना शुरू कर देता हूँ, डांस करना शुरू कर देता हूँ। कल रात को सोते सोते बेड से 5-6 बार नीचे भी गिर गया, और अभी कुछ देर पहले वीपी साहब के कैबिन में अलग ड्रामा हो गया। आई डोंट नो, ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई दूर से मेरे तार खींच रहा है, कोई मेरी चूटियां काट रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी, आई डोंट नो। सब ठीक है जी, अब नॉर्मल है। ये क्या हो रहा है जी? जो मुझे लग रहा है ना मोहन जी डांस कर रहे हैं। ये ऑफिसर की डांस बार क्या हुआ सर? सर क्या हो गया? देखिए मोहन जी डांस कर रहे हैं ऑफिस में। मुझे थप्पड़ मारा, मैं अभी आपका डिसमिसल ऑर्डर तैयार करता हूँ। प्लीज सर, वो सर माफ कर दीजिए, पर क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया? तुमने वीपी साहब को क्यों मारा? मेरी परमिशन के बगैर तुम इस केबिन में कैसे आए? नहीं सर, मैं मीरा मैडम को बुलाने आया था। वो इस केबिन में नहीं, भागो यहाँ से। ओके सर, गेट आउट सर, गेट आउट। ऐसे मोहन प्यारे, तुम्हारा कल्याण। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? मैडम मैं बताता हूँ, ये वर्मा साहब की चाल है। यू शट अप, तुम पैरानॉइड हो, वर्मा साहब यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है, तुम इन्हें ब्लेम क्यों कर रहे हो? मैडम मैं आपको बुलाने वर्मा साहब के कैबिन में गया था, तो आप वहाँ थी नहीं, तो मैंने क्या देखा? वर्मा साहब एक गुड्डे को लेके ना उसे ऐसे उछाल रहे थे, ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। जो वर्मा साहब गुड्डे के साथ कर रहे हैं ना, वही सेम टू सेम मोहन जी कर रहे हैं। कैसे गई सर के बाल खड़े हो गए बेटा? हम सर बाल से ब्लैंक मोहन जी, आपको मैंने नचा नचा के मार नहीं दिया ना,
तो मेरा नाम भी विनोद वर्मा नहीं। हेलो सर। हेलो मेरा सर, क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं मेरा। मैं जानती हूँ सर, ये वही गुड्डा है जो आप कविता जी के लिए लाए थे। सर लाए तो आप कविता जी के लिए हैं, लेकिन आपको बहुत पसंद आ गया है, जब देखो उसके साथ खेलते रहते हैं आप। मीरा जी, क्या है कि मुझे बचपन से खिलौनों का बड़ा शौक रहा, स्पेशली स्टफ टॉयज। सर लाइए ना, साथ में खेलते हैं। नहीं मीरा जी, मैं पॉसेसिव हूं, आपके पास जाएगा तो रोने लगेगा। ही इज हैप्पी ओनली विद वीनू अंकल। या यू चैलेंज यू सर, एक्सक्यूज मी। श्योर। या मैं निकल रहा हूं, एक्सक्यूज मी। श्योर सर, श्योर। माजरा क्या है? वर्मा साहब इस गुड्डे को छोड़ना नहीं चाहते, इसके साथ खेलते रहते हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इस गुड्डे में ही मोहन की जान है, 100% आई एम श्योर। मीरा, मीरा, मैंने एक बात नोट की, जब तुम इस कैबिन में आई ना, उसके बाद मुझे कुछ होना बंद हो गया, मतलब आई बिकेम नॉर्मल। मैं बताती हूँ तुम्हें, वर्मा साहब के पास एक गुड्डा है जिसके जरिए वो तुम्हें तकलीफ पहुँचा रहे हैं। जिसके जरिए? तुम्हारा मतलब इस गुड्डे में मेरी जान अटकी है? हाँ मोहन, हाँ। मतलब उसके साथ मेरा कनेक्शन है कोई? हाँ मोहन, और उस गुड्डे को हमें किसी भी हालत में हासिल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे मेरा, कैसे? I'll tell you, I'll tell you. ओके, ओके। क्या बात कर रहे हैं आप मोहन जी, आपकी जान उस गुड्डे में? हाँ मैडम, मेरी जान उस गुड्डे में है मैडम। जब से वो गुड्डा वर्मा साहब के पास आया, मैं परेशान हो गया मैडम, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं पल पल लगता है वर्मा साहब ने गुड्डे को पीछे बम पे पिंच किया था, पर मैंने मारे मैडम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पीछे मैडम, बहुत दर्द। माय गॉड, हां याद आया, याद आया, विनोद से एक दोस्त मिलने आया था और ना वो कुछ तांत्रिक टाइप का था और ये गुड्डा उसी ने उसको दिया है। और जब मैंने विनोद से पूछा कि ये गुड्डा कहाँ से है, उसने मुझे कहा कि मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। अभी आप खुद सोचिए मैडम कि 40 साल के आदमी को उसका दोस्त उसे गुड्डा गिफ्ट में दे सकता है मैडम? जस्ट थिंक अबाउट इट मैडम। या आई नो, लेकिन अब मैं इसके बारे में क्या कर सकती? आई विल टेल यू मैडम, ये देखिए, ये जो गुड्डा है ना, ये वो गुड्डा नहीं है मैडम, ये उसका डुप्लीकेट है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही दिखता है। आपको इस गुड्डे को उस गुड्डे के साथ एक्सचेंज करना है मैडम, समझ गए ना? और वो गुड्डा आप लेकर कल मीरा मैडम के यहाँ पर आएंगी, मैं आपको वहीं मिलूंगा। लेकिन मैडम, वर्मा साहब को इस बारे में बिल्कुल शक होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी मैडम, आज रात को गुड्डे एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके मैडम, निकलता हूं मैं। गुड डे, आई मीन गुड डे, गुड नाइट है मोहन जी। सो सॉरी। क्या कर रहे हैं आप, हां लेडीज के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? मैडम आप समझे, मैडम आई डिड नॉट थिंक, वर्मा साहब ने गुड्डे को धक्का दिया मैडम, गुड्डे को धक्का दे रहे हैं मैडम, गुड्डे को। आप जाइए यहां से, जाइए जाइए। ओह माय गॉड, आया क्या हुआ, क्या हुआ मोहन जी, क्या हुआ? बहुत गरम गरम लग रहा है, मुझे बहुत गरम लग रहा है, लगता है वर्मा साहब ने गुड्डे को पीछे सिगरेट लगाई है मैडम। आइस, आइस लेके आइए। अरे नहीं नहीं, आप जाइए यहाँ से, जाइए जाइए, बाहर जाके बर्फ में बैठता हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। सपना, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो तुम्हारा मॉडल बनने का सपना कैसे पूरा होगा? भरत, भरत ये गुड्डा मुझे मिल गया है। क्या? ये गुड्डा जिसके जरिए वर्मा साहब ने मुझे बहुत परेशान किया है, और अब मैं इस गुड्डे का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं रुक जाएगा मोहन जी, अगर आप इस गुड्डे को मारेंगे या तकलीफ देंगे तो तकलीफ आप ही को होगी। राइट, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मुझे तकलीफ होती है कि नहीं होती। आराम से, आराम से। कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा जोर से। कुछ नहीं हो रहा मुझे, मुझे कुछ नहीं हो रहा है,
इसका मतलब इस गुड्डे का असर खत्म हो चुका है। मोहन जी, मोहन जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अभी अभी वर्मा साहब अकेले सीढ़ियों से आ रहे थे तो कहीं से उनको थप्पड़ लगा। थप्पड़ लगा? ओह माय गॉड, मामला एकदम साफ हो गया। मतलब यानी कि वर्मा साहब की जान इस गुड्डे में है। क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग हियर? हां व्हाट्स हैपनिंग हियर? ऐसे सर गप्पे मार रहे हैं सर। बदतमीजी कर रहे हैं आप उससे? नहीं सर, गप्पे मार रहे हैं सर। चोरी वसी ना चोरी। मैं आपका अभी इसी वक्त यही काम तमाम कर देता हूँ। अच्छा, ये लीजिए। हाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुंडी टूट गई उसकी सर। आपका ये गुड्डा है ना, ये बुड्ढा हो गया है, इसको छुट्टा मार के फेंक दीजिए। असली गुड्डा मेरे पास है। आपने इसके जरिए मुझे बहुत तकलीफ दी है। अब मैं इसके जरिए आपका बैंड बजाऊंगा। नहीं 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 नहीं।